Press the bell icon of the e-Parshala channel and never miss another update. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कोल्ड वॉर कर रहे हैं, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले हमने वीडियो के दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उसके ऊपर, तो अभी हम वीडियो का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम पूरी तरीके से कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर। अभी तक हमने काफ़ी कुछ डिटेलिंग पढ़ ली थी पहली दुनिया से रिलेटेड और दूसरी दुनिया से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहली दुनिया यूएसए और दूसरी दुनिया दोस्तों यूएसएसआर, ठीक है। तो इसके बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर यूएसएसआर और नाटो, तो हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और हम वो सारी कंट्रियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। यानी कि हम जानेंगे नेम, रोल ऑफ नेम, यानी कि गुटनिरपेक्ष। दोस्तों गुटनिरपेक्ष एक अनोखा टर्निंग पॉइंट था इस चैप्टर का, क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुटनिरपेक्ष, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने देखा था कि यूएसए ने दोस्तों बहुत सारे पॉलिसीज बनाने की कोशिश करी, जैसे उसने नाटो बनाया, उसने सीटो बनाया दोस्तों, और उसने सेंटो बनाया, और उसी के अगेंस्ट में फिर यूएसएसआर ने दोस्तों आपने देखा कि उसने वारसो पैक्ट जो है दोस्तों वो बनाया था। तो वारसो पैक्ट के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ डिटेलिंग पढ़ ली थी और इन तीनों अलायंस के बारे में भी हमने तीनों डिटेलिंग्स पढ़ ली थी। बट दोस्तों अब हमें ये जानना है कि जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नई कंट्रियाँ अभी जस्ट आज़ाद हुई थी, और क्योंकि ये पूरा का पूरा एरा 1945 के बाद का चल रहा है, तो आपको ध्यान होगा कि एशिया की बहुत सारी कंट्रियाँ और उसके बाद अफ्रीका की बहुत सारी ऐसी भी कंट्रियाँ थी जो रिसेंटली इनके बाद ही आज़ाद हुई थी। लगभग 1950 और 1960 के दशक तक बहुत सारी नई कंट्रियाँ आज़ाद हुई थी। तो दोस्तों उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन लोगों के पास सिर्फ यही दो ब्लॉक बचे हुए थे कि वो या तो यूएसए की विचारधारा को माने, आइडियोलॉजी को माने, या वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को माने। इन दोनों ही आइडियोलॉजी में से किसी एक आइडियोलॉजी को उन्हें अडॉप्ट करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट तीसरी दुनिया और तीसरे विकल्प के रूप में आया था उस समय पर, तो उसी के बारे में ये वीडियो है, पूरी तरीके से उसी के बारे में हम समझेंगे। तो नेम दोस्तों, सबसे पहले थर्ड वर्ल्ड इसे संज्ञा क्यों दी गई, ये उन सभी कंट्रियों के लिए सहारे की तरह था जो कंट्रियाँ नई तरीके से अभी आज़ाद हुई थी। यानी कि थर्ड वर्ल्ड शीत युद्ध के दौरान नाटो और कम्युनिस्ट ब्लॉक यानी कि दोनों के अगेंस्ट में मैं बोल सकता हूँ, एक ऐसा अलायंस पावर निकल के आया, ऐसी निकल के आया जिसमें पूरी तरीके से इसने नव अंतर्राष्ट्रीय देशों को एक साथ लेने की कोशिश करी। यानी कि उनके लिए एक थर्ड ऑप्शन बना, जो कंट्रियाँ ना यूएसएसआर के साथ जाना चाहती है और ना ही दोस्तों यूएसए के साथ जाना चाहती है। तो यहाँ पर शुरुआती समय में इसकी मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया के अंदर, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको पता ही है जकार्ता के अंदर है। शुरुआती समय में अगर आपको ध्यान हो तो इसके अंदर वांडुंग सम्मेलन हुआ था, वांडुंग सम्मेलन के बारे में हमने नहीं बताया है। वांडुंग सम्मेलन 1955 में दोस्तों हुआ था और वांडुंग सम्मेलन के अंदर 29 देश जो थे अफ्रीका के और एशिया के, उस समय पर 29 कंट्रियाँ आई थी। उस समय पे जो सुकर्नो जो थे इंडोनेशिया के हेड थे, और उन्होंने उस समय पे क्या कहते हैं कहीं ना कहीं मुलाकात करवाई थी, और मुलाकात करवाने के बाद इंडोनेशिया के अंदर ये बहस हुई थी कि हमें भी कोई ना कोई इनिशिएट करना चाहिए। जो 1955 में सम्मेलन हुआ था 29 देशों के साथ, उसी ने बाद में 1961 में जाके गुटनिरपेक्ष आंदोलन बोले तो नेम बनाया। एट प्रेजेंट टाइम 120 मेंबर कंट्रियाँ इसके अंदर है और 17 ऑब्जर्विंग कंट्रीज के अंदर है। तो हमें ये जानना है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत बेलग्रेड सम्मेलन से होती है, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन से होती है। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी जाती है, उससे पहले 1955 के अंदर वांडुंग सम्मेलन में बातचीत हुई थी लेकिन पूरी तरीके से बातचीत नहीं हुई थी। तो यहाँ पर 1961 में दोस्तों जितनी भी नई कंट्रियाँ, नव विकसित कंट्रियाँ, वो सारी की सारी कंट्रियाँ आई थी, लेकिन दोस्तों इनिशिएट किसने करा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत इसमें से एक था। भारत ने, भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे, और वो चाहते थे कि एशिया के अंदर जितने भी उपनिवेशिक देश थे जिनके ऊपर क्या कहते हैं बहुत सारे ब्रिटिशर्स बहुत साल से राज करते हुए आ रहे थे, वो चाहते थे कि नई कंट्रियाँ जो नव स्वतंत्र देश है, न्यू फ्री कंट्री है, उनके लिए कुछ इनिशिएट बन पाए।
तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू सुकर्णो थे, और जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे वो थे, घाना के प्रेसिडेंट थे वो थे, और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जो थे वो थे। तो यूगोस्लाविया के अंदर ये मीटिंग हुई थी, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन। दोस्तों आप मैप के अंदर भी देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है। पाँच कंट्रियाँ, ये पाँच कंट्रियाँ सबसे पहले आई थी। जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। पाँच फाउंडिंग मेम्बर जो है वो कंट्रियाँ यही थी, ये कंट्री जो थी इसने सबसे पहले क्या कहते हैं बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में बातचीत करी, और यहाँ पर सबसे पहला इनिशिएट देने वाली कंट्रियाँ ये पांच कहलाती है। तो आप बोल सकते हैं फाउंडिंग मेंबर यही थे जिन्होंने पूरी तरीके से कोशिश करी कि हम सारी कंट्रियाँ आपस में मिलके एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेंगे जो तीसरी दुनिया के रूप में उभरेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो येलो में है वो है फर्स्ट वर्ल्ड, ये आपकी किताब के अंदर है, सेकंड वर्ल्ड यूएसएसआर, और थर्ड वर्ल्ड जो आप देख सकते हो तीसरी दुनिया जो किसी भी गुट के अंदर विलय नहीं हुई थी, जिसमें से भारत का और अफ्रीका का काफ़ी हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा आपकी किताबों के अंदर। ओके, तो जब जिस समय पे 1961 के अंदर ये सम्मेलन हुआ था, नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, उस समय पर ये सारी कंट्रियाँ आपको दिखाई दे सकती है कि नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान इस पर नहीं था पर अफगानिस्तान था, कंबोडिया, इंडोनेशिया है ना, उसके इथोपिया है, कॉन्गो है, घाना है, ऐसी बहुत सी कंट्रियां हैं जो साउथ जो अफ्रीका की है, बहुत सारी कंट्रियां, वो सारी की सारी कंट्रीज के अंदर काफ़ी हद तक थी। एट प्रेजेंट टाइम दोस्तों इसकी संख्या 120 हो चुकी है। जैसे नाटो अभी तलक दोस्तों अस्तित्व में है ना, वैसे अभी तलक जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है दोस्तों, यानी कि जो नेम मूवमेंट है वो अभी भी अस्तित्व में है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका सबसे पहला जो इसका बनाने का मेन फैक्टर अगर मैं बता दूं कि इसे क्यों बनाया जा रहा था, इसके पीछे रीज़न क्या था, तो मेन मकसद था कि आपसी इनके बीच का सहयोग बना रहे, और इनका मेन मकसद था कि शीत युद्ध जिस तरीके से बढ़ रहा था उसके टेंशन को कम करना, और साथ साथ ये चाहते थे कि अफ्रीका की जितनी नई स्वतंत्र कंट्रियाँ हैं जो 1950 के 60 के बाद आज़ाद हुई थी, वो सारी कंट्रियों के लिए एक अलग से ऑप्शन मिल सके, क्योंकि बेचारे इतने लंबे समय से कहीं ना कहीं गुलामी झेल रहे थे, कभी ब्रिटिशर्स की, कभी अमेरिकन्स की, कभी फ्रेंच कॉलोनीज़ की, कभी पुर्तगाल के लोगों की, तो वो चाहते थे कि आप उनके रिसोर्सेज का शोषण ना हो, उनके लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बन सके। तो दोस्तों ये एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के रूप में आया था। उस समय पे आप बोल सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है उसने कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का रोल निभाया था, और उसने क्या कहते हैं एक तीसरी दुनिया बनाने की कोशिश करी। तो आप ये देख सकते हैं एट प्रेजेंट टाइम अभी तक हमारी 18 मीटिंग्स हो चुकी हैं। यहाँ पर 18 मीटिंग्स में से सबसे लास्ट मीटिंग अभी 25-26 अक्टूबर 2019 को ही हुई है। तो यहाँ पर बाकू करके एक जगह है, जहाँ पर अजरबैजान करके एक कंट्री है, वहाँ के अंदर जो सिटी है उसके अंदर बाकू करके एक जगह थी जहाँ पे अभी मीटिंग हुई है, लास्ट मीटिंग। उससे पहले हमारी कंट्री के अंदर नेम कंट्री की मीटिंग हुई थी 1983 के टाइम पे, इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर इसकी मीटिंग हुई थी, क्यूबा के अंदर भी मीटिंग हो चुकी है हवाना के ऊपर, क्यूबा क्योंकि इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं क्यूबा भी इसका पार्टिसिपेटिंग मेम्बर था 1979 के अंदर, आप देख सकते हैं उस समय यहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी। तो दोस्तों ये पूरा एक नया डेटा है आपके लिए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ये मीटिंग्स अभी भी होती हैं और आगे भी होती रहेंगी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, और इसका मेन मकसद क्या था दोस्तों, जो जितने भी अल्प विकसित कंट्रियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं साथ में लेके चलना। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि उस समय पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का रोल निभा रहा है, और इसमें जितनी भी नॉन डेवलप्ड कंट्रियां हैं उन सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मेन काम यही था कि जितने भी अल्प विकसित देश है ना वो भी काफ़ी हद तक अपनी गरीबी को ठीक करने में मदद कर सके, और यहाँ पर जो विकसित देश है उनके मुकाबले तो नहीं लेकिन उनके जैसा बनने की कोशिश कर सके, क्योंकि बेचारी ये कंट्रियाँ 1950-60 के दशकों में जाके आज़ाद हुई थी तो उनको बहुत समय लगेगा दोस्त। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अब अगर क्या कहते हैं छोटी कंट्रियों के साथ बड़ी बड़ी अलायंस कंट्रियाँ उनका साथ लेने की कोशिश करती तो ऐसा वो करती क्यों है दोस्तों। आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं छोटी कंट्रियों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, छोटी कंट्रियों को हथियारों की ज़रूरत होती है, और छोटी कंट्रियों को आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है। ये वो सारी कंट्रियाँ जो या तो यूएसए की विचारधारा के साथ थी या वो यूएसएसआर की विचारधारा के साथ थी, और यूएसए की विचारधारा या यूएसएसआर की कंट्री का मेन मकसद यही होता था कि वो छोटी कंट्रियों को अपने साथ लेके आए। छोटी कंट्रियों को साथ लाने का सिर्फ और सिर्फ इनका यही मकसद रहता था। ये तो हो गया छोटी कंट्रियों के लिए फ़ायदा, लेकिन
जो छोटी कंट्रियों के साथ बड़ी कंट्री आती थी वो इसलिए आती थी ताकि वो उनके संसाधनों का और उनके तेल और उन खनिज का उपयोग कर सके। दूसरा, वो उनके क्षेत्रों पे अपने सैनिक हथियार और सैनिक मदद ले सके उनके जगहों पर, है ना। और दूसरा उनका मेन मकसद ये होता था कि वो दूसरी कंट्रियों की जासूसी कर सके ताकि वो छोटी कंट्री हो, इसलिए वो छोटी कंट्रियों का साथ लेते थे, है ना। और यहाँ पे वो बस उनको आर्थिक सहायता दे देते थे और थोड़ा बहुत सैन्य खर्च का भुगतान करने में मदद कर देते थे। इससे क्या होता था कि बड़ी कंट्रियों को भी फायदा हो जाता था और छोटी कंट्री को भी फायदा हो जाता था, इसीलिए उन लोगों ने क्या कहते हैं छोटी कंट्री को अपने साथ लेके आए। लेकिन दोस्तों नेम कंट्री जो थी ना वो यही कह रही थी कि वो नहीं चाहती कि वो उनके इलाकों पे किसी प्रकार का परमाणु विस्फोट करे, या वो नहीं चाहती थी कि उनके इलाकों पे किसी प्रकार के वो सैन्य गतिविधियां लाए, इसीलिए वो किसी भी सैन्य गुट के अंदर विलय नहीं होना चाहते थे। अब यहाँ पे नव अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर दोस्तों ये था क्या? जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी कंट्रियां जो है अल्प विकसित हैं, गरीब है, और बेचारों को डेवलप कंट्री के मुकाबले में अमीर होना है, इसीलिए एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया सामने उस समय पे। न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर का मेन मकसद दोस्तों यही था कि जो कम विकसित कंट्रियाँ हैं ना उसको डेवलप किया जाए, जैसे कि नेम कंट्रियाँ जितनी थी उन सबको डेवलप करा जाए। इसीलिए उस इंटरनेशनल लेवल पर आप बोल सकते हैं UNCTA, इसने किसने करा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका मेन नाम है व्यापार विकास राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका मेन मकसद था नई व्यापार की नीतियों को तय करना। दोस्तों 1972 के अंदर इसकी एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के तहत अंक टांग किसे बोलते हैं इसने पॉलिसीज लेके आया। ये पॉलिसीज किनके लिए लेके आया, जो गरीब कंट्रियां थी, जो नॉन डेवलप कंट्रियां थी उनके लिए पॉलिसी लेके आया। उनके लिए क्या पॉलिसी लेके आया, ये रिपोर्ट में बताया गया कि अब ये जो कंट्रियाँ हैं ना अल्प विकसित कंट्रियाँ, वो कंट्रियाँ यानी कि जो कम विकसित कंट्रियाँ हैं वो भी क्या कहते हैं अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकती हैं अपनी कंट्रियों को विकसित करने के लिए, लेकिन सिर्फ ये उन्हीं चीजों का दोहन कर सकती हैं जो विकसित कंट्रियां कर रही है अपना यूज। दूसरा उनका मेन मकसद ये था अंकटांग का कि पश्चिमी बाजारों तक क्या कहते हैं जो विकसित कंट्रियां हैं ना उनका सामान जो है बेचा जा सके, ताकि जो कम विकसित कंट्रियां हैं वो क्या कहते हैं अपना फायदा ले सके, है ना, उनको थोड़ा बहुत फायदा हो सके। तो हम दूसरा ये बोल सकते हैं कि अगर पश्चिमी देश अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी किसी गरीब कंट्री को दे रहा है ना तो वो उन्हें कम लागत में दे, है ना। इससे क्या होगा कि बेचारे उनके पास भी नई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है। जैसे अभी हम बोल सकते हैं कि जापान ने हमारी कंट्री के अंदर बुलेट ट्रेन लाने की बात करी, जबकि जापान के पास बहुत पहले से बुलेट ट्रेन आ गई, है ना। चौथा ये हम बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों के अंदर भी जो नॉन डेवलप कंट्रियाँ हैं ना उसको भी फायदा पहुँच सके। तो ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया था अंगटांग के थ्रू, और इससे जितने और इसे जितनी भी डेवलप कंट्री है ना दोस्तों वो सब कहीं ना कहीं गरीब और नॉन डेवलप कंट्रियों को फायदा पहुंचा रही है। अच्छा, अब हम ये जानने की कोशिश ये करेंगे कि इंडिया और कोल्ड वर्ल्ड वॉर का रिलेशन रहा क्या, क्योंकि आपको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर नेता जो थे हमारे भारत के थे, तो भारत के नेता थे दोस्तों उनका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना, तो उनका मेन मकसद यही था कि दोनों जो गुट थे उनसे दूर रहना था, और उनका मेन मकसद था कि जितने भी नॉन डेवलप कंट्री है ना उनके लिए एक नेशनल लेवल पे भारत जो है आवाज़ उठाए और उन सभी को एक साथ रखने की कोशिश करे। और भारत ने ये भी बोल दिया था कि ना तो हमारी पॉलिसी नेगेटिव है और ना तो पॉजिटिव है, ना तो क्या कहते हैं नकारात्मक है और ना तो सकारात्मक है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुटनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप अगर सैन्य गुट से अलग हो गए हैं तो आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी में पार्टिसिपेट ना करें, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है ना। और दूसरा, भारत ने शीत युद्ध के तनाव को कम करने की कोशिश करी, इसीलिए उसने कोशिश यही करी कि जो उसके बाद वॉर हो रहा है उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे मीडिएटर बन सके। भारत ने शीत युद्ध को नरम करने के लिए गुटनिरपेक्ष का समर्थन करने की कोशिश करी थी, है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भारत ने गुटनिरपेक्ष ने भारत को दूसरे
दूसरे देशों के खिलाफ एक महाशक्ति के लिए संतुलन बनाने की कोशिश करी, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने जितने भी नॉन डेवलप कंट्रियाँ हैं उनको काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करवाने में मदद करी। अब कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ये बुराई होती है कि अनुशासनहीनता के तहत, मतलब अनप्रिंसिपल्ड है, मतलब इसमें ही बताया जाता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो है ना, भारत भारत जो राष्ट्रीय है वो राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए निर्णय लेने में बहुत देरी लगाता है कभी कभी, और कई बार वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी बात रखने से इनकार भी कर देता है, चाहे वो गुटनिरपेक्ष कंट्री के मेंबर ही क्यों ना हो, है ना। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। और दूसरा ये बोला जा सकता है कि इंडिया अपनी पॉलिसीज़ के लिए, जब उनको अपने फ़ायदे की बात आती है तो वो ऐसी अलायंस कंट्रियों के साथ हाथ मिला लेते हैं जिससे उसने खुद ही मना करा था कि हमें कहीं ना कहीं जो कंट्रियां हैं उसके साथ नहीं आना है, जो सैनिक कंट्रियां हैं उनके साथ नहीं आना है। लेकिन फिर भी भारत ने, क्या कहते हैं, यूएसएसआर के साथ एक बार अपनी मुलाकात करी थी, एक मैत्री संधि बनाई थी। अगर आपको याद हो 1971 के अंदर बांग्लादेश का युद्ध हुआ था जिसमें रशिया ने ही जो है उसकी इंडिया की मदद करी थी, तो ये कहीं ना कहीं उसके खिलाफ ही है ना। तो दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश ये करें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का इफेक्ट पड़ा क्या, क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड है 1946 से लेकर 1989 तक, तो इसीलिए इसमें बोल सकते हैं कि इसमें यूरोप का विभाजन हो गया पूरी तरीके से, इसमें पूरा विश्व जो है आतंक और भय के माहौल के अंदर रहा था, इसमें कहीं ना कहीं जो परमाणु न्यूक्लियर वेपन जो है उसके फटने का कहीं ना कहीं आशंका बनी रहती थी हमेशा, है ना। इसने एट प्रेजेंट टाइम पे सीटो सेंटो और वासो पैक्ट जैसे सैन्य संगठन को जन्म दिया था, और उसने साथ साथ ये बोल दिया कि उसने यूनाइटेड नेशन उसके पावर को कम करने की कोशिश करी थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन दोस्तों 1945 के अंदर बन चुका था। और इसका तो मेन काम होता है ना कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कंट्री अगर आपस में लड़ रही है तो उसको कहीं ना कहीं बचाया जा सके, लेकिन यहाँ पे यूएसएसआर और यूएसए ही मोस्ट पावरफुल कंट्रियाँ थी, इसलिए यूएनओ कुछ कर ही नहीं सकता था। इसने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, यानी कि ज़्यादा गन्स बनाने को, ज़्यादा आर्म्स बनाने को इसने बढ़ावा दिया, है ना। दूसरा, इसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करी, जो शीत युद्ध था उसने। अब यहाँ पे जब शीत युद्ध खत्म हो गया था तो उसके बाद नए जो 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 नए उपनिवेश थे उनका जन्म हुआ था, नई कंट्रियों का जन्म हुआ था। और लास्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर प्रचार और कूटनीति के महत्व को समझा गया कि कैसे जो यूएसए है दोस्तों वो अपने अलायंस को अलग बना रही थी, और यूएसएसआर जो अपने अपने अलायंस को अलग बना रही थी। इसमें इतने लंबे युद्ध में ये बताने की कोशिश करी गई थी कि कैसे आप अपनी विचारधाराओं को दूसरी कंट्री के ऊपर थोप सकते हो, और यूएसएसआर कैसे इतना मोस्ट पावरफुल कंट्री था 1945 के बाद, लेकिन फिर भी वो इतना धराशायी हो गया। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कूटनीति को सही रखना, और ये इंटरनेशनल लेवल पर तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है दोस्तों, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों अब हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें देखते हैं कि कैसे जो यूएसएसआर जो अमेरिका के बाद एक मोस्ट पावरफुल अमेरिका के बाद मोस्ट पावरफुल कंट्री तो था, लेकिन कैसे वो ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दिस इज़ इट इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।